कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न में विसंगतियों के लिए कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए के भुगतान के नोटिस जारी किए हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता आईटी डिपार्टमेंट पर काफी भड़के नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर हैशटैग टैक्स टेररिज्म के साथ ये बात लिखी। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने सुबह कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी कर दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आयकर विभाग ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर आंखें बंद कर ली है, जबकि उस पर 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना बनता है। पार्टी ने यह दावा भी किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले कर आतंकवाद के जरिए विपक्ष पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स पर पोस्ट किया, भाजपा की ओर से 42 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 4600 करोड़ रुपए के जुर्माने की अनदेखी की गई, जबकि कांग्रेस के विधायकों और सांसदों द्वारा 14 लाख नकद जमा करने के लिए 135 करोड़ रुपए के जुर्माने की मांग की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि केवल विपक्ष के खिलाफ इस अनुचित तरीके से कार्रवाई करने के लिए आयकर विभाग पर आखिर कौन दबाव डाल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को परेशान करने के लिए आयकर विभाग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वे लोकतंत्र को नष्ट करने और संविधान को कमजोर करने के लिए आयकर विभाग, ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार कांग्रेस की वित्तीय रूप से दिवालिया करने का प्रयास कर रही है। तो वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले टैक्स टेररिज्म के जरिए विपक्ष पर हमला लगातार हो रहा है।